कहीं ना कहीं जैसे कि हम जैसे भेड़ बकरियां नहीं होते, ये एससी एसटी और ओबीसी हम इस तरह के लोग हैं जिनको हमारी अपने अधिकार का ही नहीं पता, अपनी जो उनके अंदर वो जागरूकता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। उनको लगता है कि उन्हें जो गवर्नमेंट से मिलता है जो दे दिया गया है वो बहुत पहले से एस्टैब्लिश लोग हैं, उन्हीं की गुलामी चलती रहती है और आज भी राज उन्हीं का है जिनका स्वतंत्रता से पहले था। वही राजा महाराजा थे या वो जो पैसे वाले लोग थे, आज भी राज वही कर रहे हैं, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है वो ग्राउंड पे लागू ही नहीं है। अभी भी जाग जाओ, नहीं तो आप अपनी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको एक गुलाम भारत देके जाएंगे। कहीं पर भी आपको अपनी आवाज रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। छोड़नी पड़ी थी उस टाइम, उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि वो आरक्षण को लागू करके ही जाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण के दो ही आधार थे, एक तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक आधार, उसको बना के जबरदस्त एक रिजर्वेशन दिया जिसकी जनसंख्या 13% है टोटल पॉपुलेशन की, उसको 10% सीटें उसके लिए रिजर्व कर दी, और जो टोटल एससी एसटी और ओबीसी का बना के 50% बनता है, टोटल 50% जनरल का था। उसमें तो हमारे जो बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना, तो पहले क्या होता है जो ज़्यादा नंबर लेके आता वो हायर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आ जाता था, लेकिन अभी कई एग्जाम्स ऐसे हैं, इवन मैंने आरएस का एग्जाम दिया, उसमें भी जो ओबीसी के बच्चे थे वो ज़्यादा नंबर लाने पर भी ओबीसी जनरल के अंदर शामिल नहीं हुए। तो ये पॉलिसी आती है कि जनरल के अंदर भी अब ओबीसी एससी एसटी के जो ज़्यादा नंबर लेने वाले जो बच्चे हैं उनको उसमें जनरल में काउंट ही नहीं किया जा रहा था। तो टोटल 50% रिजर्वेशन इनडायरेक्ट वे में इनके पास था, उसमें 10% को इन्होंने वैसे काबू कर लिया है, बचा 40%। 40% पे आपको 27% रिजर्वेशन देके आपको उसके बाहर ही नहीं निकालते हैं, जब टोटल 50% रिजर्वेशन इनके पास है। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जब रिजर्वेशन पास हुआ तो हमारी संसद में एक दो MP वगैरह ने इसको बात रखी है कि ये जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी हम इसका समर्थन करते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात का विरोध कर सके, कोई समाज के लोग बाहर नहीं आए, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं आए। तो कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हम जैसे भेड़ बकरियां नहीं होते, ये एससी एसटी और ओबीसी हम इस तरह के लोग हैं जिनको हमारी अपने अधिकार का ही नहीं पता, अपनी जो उनके अंदर वो जागरूकता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। उनको लगता है कि उन्हें जो गवर्नमेंट से मिलता है जो दे दिया गया है वो बहुत है। हमारे कुछ महापुरुष हुए, भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, अन्य महापुरुष हुए, इन्होंने बहुत बलिदान दिया है, बहुत बलिदान देके आज जिस मुकाम पर हमें पहुंचाया है, कम से कम आप उसकी इज्जत करके इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने आपको एक संविधान दिया उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। अगर ये समाज सोच ले कि जो बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिलवाए हैं वो अधिकार हमें कोई नहीं छीन सकता, चाहे हमें किसी से भी लड़ना पड़े, किसी सत्ता से टकराना पड़े, हम अधिकारों के लिए अपने समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हम बहुत ही डरे हुए लोग हैं, कुछ भी बात बोलने से पहले डरते हैं, और हमारे अंदर जो है वो एकता नहीं है। अब जब लैटरल एंट्री की बात शुरू हुई, इस लैटरल एंट्री में जो लगाए गए हैं वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट से लगाए गए, डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के पदों पर जो 17 साल बाद एक बच्चा 5-10 साल तो आईएएस की तैयारी में लगा देता है, उसके बाद वो 17 साल नौकरी करता है, फिर वो उस पद पर आता है, उसमें इस गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने लोगों को भर्ती किया, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, जिसमें अब एससी एसटी और ओबीसी का जो है वो कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद आप आईएएस में भी देखो कि 2012 के बाद जो है आईएएस का सिलेबस बदल कर ऐसा कर दिया गया कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो मोस्टली एससी एसटी ओबीसी से आते हैं या गरीब पृष्ठभूमि के। उस टाइम पहले जो सिलेबस था वो उनके अकॉर्डिंग था, आज जो सिलेबस है वो आईआईटी और आईआईएम से पढ़ने वाले बच्चों के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की है, या आईआईटी किया, आईआईएम किया, उन बच्चों के अकॉर्डिंग है। 2012 के अंदर यूपीएससी के चेयरमैन को चेंज किया जाता है, आईआईटी बैकग्राउंड के इंसान को वहां पर लगाया जाता है, और उसके अंदर सिलेबस चेंज करके हमारे हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट आता था, आता था यूपी बिहार से, इतने बच्चे तैयारी करते थे नोट बैट से, जो हिंदी मीडियम मेनली बैट आती है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं उन सब को जो है एक तरीके से बाहर कर दिया गया। 1% भी रिजल्ट, 1% के आसपास भी रिजल्ट जो है हिंदी मीडियम का नहीं आता है। तो कैसे जो है पॉलिसियों के अंदर घालमेल करके हमें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, इसकी हमें जानकारी होनी होगी, और हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे समाज के, उनको अपने समाज के निचले तक जो लोग हैं, आमजन जो है, सामान्य इंसान है, उन तक इन बातों को पहुंचाना होगा, अवेयर करना होगा कि आपके क्या अधिकार है क्या नहीं है, किस तरह से पॉलिसियां बढ़नी चाहिए ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक देश का हो। हम किसी के विरोधी नहीं है, चाहे वो जनरल कास्ट के हों, किसी भी उसके हों, किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अधिकार तो हर भाई को चाहिए ना अपने देश में। अगर एक जनसंख्या 60% है, एक जनसंख्या जो है
16% और 8% एस सी एस टी की, अगर उसको उसके अधिकार नहीं मिले तो 13% जनसंख्या जो आप पे राज कर रही है उसका मतलब क्या है? कि हम लोग मतलब इस देश के हिस्सा नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है? आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी ने या और अदर पार्टियों ने काफी चीजें उठाई कि नेशनल जो सेक्रेटरी है पूरे देश में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 OBC के हैं, और उस 3 OBC वाले में भी आप देखना कि अगर जांच हो तो एक दो फेक ही मिलेंगे, एक ही OBC का सही मिलेगा। आप दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो आपका OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कई सालों से लग रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो 8-9 साल से सर्विस कर रहे थे, उन सबको हटा के जो है वो RSS बैकग्राउंड के प्रोफेसरों को भर्ती किया गया है। ऐसे ही जो अग्निपथ योजना लाई गई है वो देश के लिए सबसे घातक योजना है, देश को गुलाम बनाने के लिए हर तरीके से जो ट्रेंड लोग हैं उनको आर्मी से बाहर निकालकर, और उनको जब ये 22-23 साल के बच्चे 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग लेकर 4 साल के वहाँ नौकरी करके जब ये वापस आएंगे तो अगर पढ़ाई से नाता छूट जाते हैं तो ये कंपटीशन कोई पास कर पाएंगे क्या? कोई कंपटीशन पास नहीं, सिर्फ फिजिकल निकाल सकते हैं किसी का, जो पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का या और किसी स्टेट पुलिस का, लेकिन ये उस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। टेस्ट में पास होंगे 2-3 साल उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जब वो फिर 2-3 साल तैयारी करेंगे तो उससे वैसे बाहर आ जाएंगे, जो एज क्राइटेरिया उससे बाहर आ जाएंगे। 24 साल के तो यहाँ पर हो जाएंगे, 21 साल के यहाँ भर्ती होते हैं, 4 साल नौकरी करी 25 साल, और आगे 3 साल जब फिर टेस्ट तैयारी करनी होगी 25 और 3 28 साल, तो ये फौज पुलिस में तो लग नहीं सकते। जाएंगे किस में? ट्रेंड लोग हैं, एक जज्बा है, एक उम्र है, अपनी पहचान बनाने का एक क्राइसिस है उस टाइम, तो जितनी भी गैंग बनी हुई है ये इनको हायर कर लेंगी। इवन जो पार्टी है उनका भी अपना एक अलग हो चलता है कि मैं किसी पार्टी का नाम निगेड़ जाऊंगी, वो लोग इन्हें शामिल कर लेंगे, और इनके द्वारा फिर एक जो गरीब तबका है, जो सामान्य लोग हैं, उनको डराया धमकाया जाएगा, उनको हर तरीके से उन पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी। दूसरा, जो हमारी खुद की जो देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में है, क्योंकि 4 साल की नौकरी करने वाला जो इंसान है वो अगर उसको अपने परिवार की सुरक्षा ही नहीं है। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चलाई थी IAS और IPS जब बनाए तो अंग्रेजों ने उन्हें कहा था इस देश पे हमें राज करना है, और राज करने के लिए क्या करेंगे, आपके सारे दुख जो है हमारे, आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी और आपका परिवार हर चीज़ से हर चीज़ सुरक्षित रहेगी, लेकिन आप जो है वो हमारे लिए काम करोगे, तब जो है वो IAS IPS की सर्विस जो है वो डॉक्टर पटेल जी ने कहा था कि ये भारत की जो स्टील है वो है, भारत की जो लीड है वो है IAS IPS, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, परिवार की सिक्योरिटी दी जाती, इसलिए वो देश के लिए काम कर सके। जिन बच्चों को परिवार की सिक्योरिटी नहीं है उसकी खुद की, उनकी लाइफ का क्या होगा? अगर सिक्योरिटी नहीं है वो क्या अपने बॉर्डर पे खड़े होके अपने देश के लिए जान देंगे? हर किसी को अपने परिवार की चिंता रहती है, अपने रोजगार की चिंता रहती है, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके बाद जो है कि महिला आरक्षण जो बिल है, देश 76 ईयर्स हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लो कहीं महिलाएं नहीं है, आप MLA MP में देख लो कहीं महिलाएं नहीं है, जितना उनका परसेंटेज होना चाहिए वो नहीं है। आज भी कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं, और जो गिनी चुनी हैं वो भी किससे हैं, जो पहले से राजनीति में जो परिवार है, जो बिजनेसमैन है, उनकी बहू और बेटियां हैं, जो सामान्य परिवार से उठ के गई है वो शायद कुछ उंगलियों पे आप गिन सकते हो, मायावती जी हैं, ममता बनर्जी है, साउथ में जयललिता है, या एक दो नाम और हो सकते हैं। इस तरीके से जब ये बिल इतने साल बाद जब पास हुआ है, इस बिल का विरोध कर रही थी क्षेत्रीय पार्टियां, वो क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए विरोध नहीं कर रही थी कि वो महिला विरोधी हैं, उन्होंने ये कहा था कि OBC की जो महिलाएं हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो इसमें जो है वो निश्चित होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फिर से वही बिल पास कर दिया और OBC की जो महिलाएं हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अब ये जो इनकी जो महिलाएं हैं जो पहले से एस्टेब्लिश होके बैठे हैं, ये उस एंट्री से उन्हीं महिलाओं को लेकर आएंगे, ना तो इसमें OBC का प्रतिनिधित्व होगा, ना एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की जो है उसका प्रतिनिधित्व होगा। बहुत सारी इसमें बातें करने के लिए हैं, आप उच्च न्यायपालिका में देख सकते हो कॉलेजियम सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें कितने जज जो हैं आपके हैं कोई भी नहीं है अगर आप देखोगे तो। इससे बात यह है कि 76 ईयर्स बाद भी सुधार क्यों नहीं हुए, एनालिसिस इस बात पे करने की, मुद्दे सभी को पता है कि मुद्दे क्या क्या हैं, लेकिन एनालिसिस हमें अपने आप का करना चाहिए, कितने साल बाद भी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हुए, हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा सके कि वो IAS IPS बनकर ऊपर तक पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा साहेब ने कहा था कि अगर देश चलाना है और अपना अधिकार मांगना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन भेजो, पॉलिटिक्स में भेजो, अपने बच्चों को कावड़ लाने के लिए तैयार मत करो या कलर बनाने के लिए तैयार मत करो। लेकिन हमने सिर्फ अपने बच्चे कावड़ लाने के लिए तैयार किए, कलर बनाने के लिए तैयार किए, ना तो उन्हें पॉलिटिक्स में भेजा ना एडमिनिस्ट्रेशन भेजा। आज जब भी सामान्य परिवार का बच्चा जब
एक पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी शुरुआत करता है तो उसको लोग बोलते हैं, अरे ये पॉलिटिक्स में तो बहुत पैसा लगता है, तुम कैसे लाओगे? क्या हमारा जो समाज है वो इतना छोटा है? अगर हम अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें तो समाज कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता क्या, ताकि हमारे लोग वहाँ पर जाएं? लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, और जो पहले से एस्टैब्लिश लोग हैं उन्हीं की गुलामी चलती रहती है, और आज भी राज उन्हीं का है जिनका स्वतंत्रता से पहले था। वही राजा महाराजा थे या वो जो पैसे वाले लोग थे, आज भी राज वही कर रहे हैं, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है वो ग्राउंड पे लागू ही नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है, अगर 2024 का इलेक्शन अगर इसी गवर्नमेंट ने जीत लिया तो मैं ये कहती हूँ कि ये देश से संविधान, ये अधिकार, ये बोलने की आज़ादी, और आज आप इस रामलीला ग्राउंड में जो खड़े हो ये सब खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 2014 से पहले कितने आंदोलन होते थे देश में, हर किसी को बैठने का मौका दिया जाता था, हर किसी को बोलने की आज़ादी थी। लेकिन अब एक आंदोलन ऐसा बता दो जो रात में भी हो रहा हो। क्या रामलीला ग्राउंड में OPS वन रैंक वन ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो सैनिक है, क्या वो आंदोलन नहीं करना चाहते थे? लेकिन परमिशन नहीं दी जाती। परमिशन आपको दी जाएगी सुबह 10 से 5 बजे तक की, ताकि आप अपना जो भी रोना धोना है वो करके आप चले जाओ। आप ऐसा कोई माहौल पैदा ना कर सको देश में कि वो लोकपाल जैसा आंदोलन बन जाए या बाबा रामदेव वाला जैसा आंदोलन बन जाए, अन्ना हजारे वाला आंदोलन बन जाए, ये सब आंदोलन ना बन सके। इसलिए कहीं भी देश में किसी आंदोलन को परमिशन नहीं दी जाती। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई और हमने बहुत सारे आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस भी डले और हमने मुखर्जी नगर में आंदोलन भी किया था। लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए जो है परमिशन आपको बैठने की नहीं दी जाएगी। कहीं पर भी आपको अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ जो है, हर सिस्टम जो है एक आइडियोलॉजी के अनुसार जो है बदल दिया जाता है। इसलिए समय, मैं यही कहना चाहूँगी अपने कम शब्दों में कि अभी सिर्फ ये 2024 मई तक का समय है जब तक इलेक्शन है, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो आप अपनी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको एक गुलाम भारत दे के जाएंगे। और मैं अभी अपने इन्हीं शब्दों के साथ जो अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इससे ज़्यादा शब्द मैं नहीं कह पाऊँगी कि आगे क्या होने वाला है।